बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड्स एंड स्टाइल। आज हम आपको बताएंगे 6 महीने के बेबी का फ्रॉक बनाना। हमने एक फ्रॉक अपने चैनल पर लगाया था जिसपे हम बोले नहीं थे, उसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किल हुई है, इसलिए हम आपको बोलकर फ्रॉक बनाना, फ्लैट वाला फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। उसके लिए आपने कपड़ा लेना है, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा था। आप जो है अपने कपड़ों में से बचाकर भी बना सकते हैं ये आराम से। इसके लिए आपको ये 18 इंची डबल कपड़ा है, ये देख लें, 18 इंच का ये आधा है और ये चौड़ाई है और इसकी लेंथ है 10 इंच। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह रखना है आपने, फिर इसे इस तरह करके रखना है। पीछे के ऊपर जिस तरह पैनल कटिंग होती है इस तरह इसकी कटिंग होती है। ये देखें, ऊपर से इसको 8 इंच रखना है जब हम मोड़ेंगे, और नीचे वाला हिस्सा, ये बैक साइड है इसकी, ये 6 इंच है और इसे हमने इस तरह करके, आप निशान लगा लीजिएगा चौक से ताकि आपको मुश्किल ना हो काटने में। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा इस तरह, इसकी बाद में फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखें, इसे इस तरह काटना है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने, ये बैक साइड है, इसे हम मोड़ने का हक भी इसमें साथ ही रख लिया है हमने, और ये वाली हम प्लेट डालेंगे इतनी साइज। और इसका ये 4 इंच का हम इसका कांधा काटेंगे क्योंकि छोटा बच्चा है। ये देखें किस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं, और ये हम गला काटेंगे, हम आगे पीछे का गला बहुत छोटा सा काटेंगे एक जैसा, और उसमें प्लेट आएगी आगे वाले पीस में, इसलिए ताकि गला बड़ा ना हो, छोटे से बच्चे का बहुत बड़ा गला ना बने। और यहाँ से देखें, इसको थोड़ा सा आधे इंच जितना इस तरह से भी कटिंग कर देंगे ताकि इसमें खूबसूरती आ जाए। बहुत ही इजी फ्रॉक है, अभी हम आपको इसको सी के भी दिखाते हैं, और इसमें फ्रिल भी लगेगी नीचे, फिर देखिएगा ये कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बनता है। ये देखें व्यूअर्स, ये कट चुका है। अब आपने इतने 3 इंच की ये प्लेट इधर डाल लेनी है, तो ये हम आपको दिखाते हैं किस तरह सिलाई मारनी है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमें सिर्फ 4 इंच की इसकी सिलाई मारनी है, पूरे में नहीं मारनी, मैंने गलती से कह दिया था, सिर्फ 4 इंच जितनी इसकी सिलाई लगानी है। ये देखें, ये 4 इंच की प्लेट हमने दे ली है इसमें, फिर आपने इधर हल्का सा कट लगा ले, हल्का सा ये इसके बीच में कट लगा लेना है, और फिर इस्त्री करके इसे प्लेट को इस तरह जमा लेना है। ये देखें, इस तरह इसे जमा लेना है, फिर आपने देखें ये हमने सीधा रखा है, फिर इधर से मोड़ के और इसका गला कटिंग करना है छोटा सा बिल्कुल।
गला हमने कटिंग कर लिया है और इसकी बैग भी आप इस तरह नीचे इतनी सिलाई लगा लें बैग पे इसकी, बाकी ऊपर का मोड़ लें। और ये पीछे का मोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए आपने एक हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा रखना है, एक थोड़ा पतला, ताकि हमें मोड़ने में जब हम काज बटन करवाएं तो हमें आसानी रहे, ये ऊपर नीचे आ जाए। एक इस तरह मोड़ना है और एक इस तरह, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ये देखें। और इसका अब हम साथ में अस्तर काटेंगे ताकि आपको सीने में बहुत ही आसानी हो, वो हम अभी आपको काट कर दिखाते हैं। ये देखें, हम आपको इसकी घघरी में चुने डालना भी दिखाते हैं। चुने डालने की भी दो तीन तरीके होते हैं, ये देख लें। आप इस तरह भी चुने डाल सकते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा है, आप सिलाई मार के बड़े बखिये से और धागा खींच के भी चुने दे सकते हैं। ये इसी तरह हम पूरी घंटी में चुने दे लेंगे, जो हम ये फ्रॉक सीने के बाद इसमें नीचे लगाएंगे। उसी तरीके से इस तरह चुने दे सकते हैं, ये देख लें व्यूअर्स। ये चुने डालने का तरीका देख लें, दोनों तरीके ही बहुत आसान है। जो आपको ज़्यादा आसान लगे आप उस तरीके से डाल लीजिएगा। ये देखें, अस्तर के लिए हमने ये डबल कपड़ा ले लिया है, इसे इस तरह फोल्ड करना है। फिर इस पे जो इसकी बैक साइड है वो रखकर आपने उसी पे अस्तर काट लेना है, उसी के साइज का। इस तरह आपका फ्रॉक बहुत ही आसानी से सिलेगा, आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। बनी नहीं, ये देखें व्यूअर्स, इधर से हमने रख दिया है। इधर से हम कांधों की भी और यहाँ से भी गला भी सिलेंगे, पूरी सिलाई लगा लेंगे और बैक साइड की हम इधर से ऊपर से सीकर गला और ये और यहाँ तक सिलेंगे इसे। ये अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हम आपको सीते हुए दिखा रहे हैं कैसे आपने कैसे स्टिच करना है। टॉप है, ये देखें। अब हम इसकी बैक साइड सी रहे हैं अस्तर लगाकर, आप देख लें ताकि आपको देख सीने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। ये देखें, ये पीछे से भी सी दिया है इसे, इसका बैक साइड। ये देखें, ये अस्तर सीने के बाद आपने इसमें इस तरह कट लगाने हैं। अगर आपने कट नहीं लगाया तो इसमें आपके झोल आ जाएगा, जब आप इसे सीधा करेंगे। कट लगाने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, ज़रा सा भी झोल नहीं आता। इस तरह आपने गले में और शोल्डर में सब जगह कट लगा लेना है। बहुत ही एहतियात से लगाइएगा, ऐसा ना हो कि आपसे ज़्यादा कट जाए, अंदर तक कट जाए। बिल्कुल कैंची की नोक से लगाइएगा, ये तो एक्सपर्ट हैं इसलिए इस तरह लगा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा। सिर्फ आगे नोक से कट लगाइएगा। ये देखें, ये इसकी बैक साइड हम आपको सीधी करके दिखा रहे हैं। इसके कांधे नहीं सिए हमने, सिर्फ ऊपर से
शोल्डर भी थोड़े से छोड़े हुए हैं। अब आप देखें इसे हम किस तरह इसमें ज्वाइंट करते हैं। ये सीधा करके हम ये देखें, सीधा करने के बाद हम उसमें लगाएंगे। पहले इसको आयरन कर लेंगे। ये देखें, ये हमने बैक साइड का ये कांधा नहीं सिया। ये सीने के बाद हम ये वाला कांधा इधर इस तरह स्टिच करेंगे और इसे पीछे की तरफ ले जाके इसका दूसरा हिस्सा जी यहाँ सिलाई लगा के फिर हम पूरा कांधा इसका सियेंगे इस तरह, और यहाँ से भी पूरा सी देंगे। हमारा फ्रॉक, ये हमारा फ्रॉक गुम सिलाई में सिलेगा इस तरह। अब हम आपको सीकर दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने सीधा कर दिया है अस्तर लगा के इस तरह। अब इस पे फ्रिल लगानी है। फ्रिल में हमने चुनरी दे ली है। अब देखें किस तरह इसमें फ्रिल लगेगी, हम आपको रख के दिखाते हैं। ये देखें, ये आपने इस तरह यहाँ से सिलाई लगानी है इसकी। ये देख लें, ये हम ऊपर भी रख सकते हैं फ्रिल, नीचे भी। ये इस तरह आपको इस पे रख के सिलाई लगानी है। ये हमने फ्रिल लगा के इतना सा हिस्सा छोड़ दिया है। ये हम इसकी बैक साइड यहाँ रख के इस तरह एक जितनी सिलाई ऊपर सिलाई आनी चाहिए, ये देखें, जहाँ से इस तरह सिलाई लगा के फिर ये हमारी गुम सिलाई बन जाएगी और फिर हम पूरी फ्रिल करेंगे। देखें व्यूअर्स, अब हम आपको इस पे बो, ये देखें व्यूअर्स, हम आपको अब ये वाली बो बनाना सिखाते हैं बगैर सिलाई के। ये आपने कपड़ा लिया, इसे यहाँ से काट लें, इसे इस तरह फोल्ड किया ट्रायंगल की शक्ल में। ये देखें, ये बहुत ही आसान है बो बनाने का तरीका। इससे फ्रॉकों में बहुत खूबसूरती आ जाती है। इसमें इस तरह चुने देनी है और इसके बाद ये जो हमने कपड़ा अलग से काट के रखा था इसे फोल्ड करके ऊपर से लपेट दें और सुई धागे से इसमें टांके लगा दें। ये देखें व्यूअर्स, अब ये दो बहुत बना ली है हमने। आप बटन की जगह इसे इस तरह लगा दें। अब आपको एतराज़ नहीं होगा कि हमारा थंबनेल अलग है और वीडियो अलग है। हमने सेम वैसा ही फ्रॉक सी के आपको दिखा दिया है और ये बहुत ही आसान है। जब आप सीएंगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा सीने में। वीडियो देखने का शुक्रिया, और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।